हेलो आदरणीय करीना आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सरदार खुश हुआ? सरदार के खुश होने की एक और भी वजह है आज। क्या? ये गाना सुन के आपको पता तो चली गया होगा कि ये जो शाम है वो रोमांस में डूबने वाली है आज। क्योंकि आज जो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं वो ऐसी रोमांटिक बॉलीवुड जोड़ी है जिनमें से एक तो हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं और जो दूसरी आ रही है उनका इंतजार हमें पहले एपिसोड से ही था कि वो कब आए। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, स्मार्ट डैशिंग इमरान खान और बॉलीवुड की कोहिनूर करीना कपूर के लिए। करीना इमरान, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू वेरी मच। इमरान तो पहले भी आ चुके हैं, करीना आपको कैसा लग रहा है मुझे लाइव देख के? अरे शर्मा मत। बहुत नर्वस हूँ मैं कि मेरी बैंड बजने वाली है आज, पर ठीक है, मेरा टू वैसे भी काफी अच्छा है तो आई एम रेडी। आज कोई बन के यहां मेहमान आया है, हुस्न की दुनिया से इश्क का पैगाम आया है और गोरी के प्यार में हो गए दीवाना। देखो करीना के पिछू पिछू इमरान आया है। भाई आज तो दो चार लाइटें कम भी होती तो चल जाता। इनबिल्ड लाइट इतनी है करीना के अंदर, चमचमा रहा है। करीना एक बात पूछने जाता हूँ, आप खाती क्या है? खाना खाती हूँ। किस तरीके? गोरी गोरी चपाती है, गोरे गोरे चने? इतना मतलब ग्लो मैंने नहीं देखा कभी। नहीं, एक्चुअली आपने मेरे माता पिता को नहीं देखे, दे ग्लो इवन मोर देन मी। नहीं वो तो है बिल्कुल, पर मतलब कमाल है, मतलब जो भी है तो खुदा का कहर ही है। ऐसी लड़कियां मार्केट में आनी बंद ही हो गई आजकल। वैसे तो आप दोनों ही माशाल्लाह इतने गोरे हैं और इतने गोरे हैं कि आज सच में मेरे को कॉम्प्लेक्स आ रहा है। आज मैं पहली बार काला लगूंगा टीवी पे क्योंकि साथ में इतने दो गोरे लोग खड़े हैं। सो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इतना सावला नहीं हूं, बट इनकी वजह से थोड़ा सा ओवरशैडो कर दिया इन्होंने, बट इट्स ओके। करीना, हमने फिल्म के प्रोमोज देखे, उसमें आप काफी नेतागिरी करती नजर आ रही हैं। जी। तो क्या मतलब आप पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन करना चाह रही? क्या सब कुछ तो दिमाग में है? राज्यसभा मेंबर बन जाऊं क्योंकि मैं कितना कुछ कर रही हूं अपने देश के लिए। अगर ये वहां जाएंगी ना तो पार्लियामेंट में हाजिरी सबकी 100%। और पता चला कि पार्लियामेंट 9 बजे शुरू होने वाला है, सिद्धू भाई 4 बजे दरवाजा खोल के बैठे हैं। और अगर करीना इलेक्शन में खड़ी हो ना तो एक वोट क्या, एक एक आदमी 10-10 जाली वोट डाल के जाएगा। भाई ये जीतनी चाहिए भाई, गवर्नमेंट करे ना करे दिखने में तो सेक्सी लगे। जोरदार तालियां करीना और इमरान के लिए। मस्ती माहौल शुरू करते हैं। करीना प्लीज, आप सोफे पे विराजमान हो सकती हैं, इमरान आप भी और मैं भी। करीना मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूं। जी बोलिए। मैं जब मुंबई में नया नया आया था ना तो मैंने सोचा था कि कभी करीना कपूर के साथ फ्लर्ट करने को मौका मिलेगा कभी ऐसा। अबे तू कच्चे रोटी उतर रहा है? अरे ऐसे जो दिल में वहां बता देना चाहिए ना भाजी। हाँ। है ना? तो फिर क्या हुआ? फिर ये होगा कि मेरे से मिलने से पहले आपकी शादी हो गई। नहीं, हम एक बार पहले मिले हुए हैं। हाँ, और तब भी हो ही चुकी थी तकरीबन बात, मतलब कुंडी हट चुकी थी आपकी बात। तब आप शशि अंकल के कुछ नकल उतार रहे थे? हाँ, मैं शशि अंकल का एक एक्ट किया था। हाँ। और आज सैफ का नकल उतार रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं, सैफ का नहीं, एक्चुअली कुछ एपिसोड बाद सैफ भी यहाँ पे आने वाले हैं। हाँ। या तो आपसे पहले आते तो मैं उनसे परमिशन भी ले लेता कि थोड़ा हम फ्लर्ट कर सकते कि नहीं। हाँ। वो बाद आ रहे हैं। क्यों नहीं, तो मुझे फिर से बुलाइए, मैं उनके साथ आ लूंगी। नहीं, मुझे जलसी होती है। तो आज हम अपने शर्मा जी मैंने सुना है आपके यहाँ आज करीना कपूर आई हुई है। आपको क्या लेना देना? आप क्या कर रहे हैं अंदर? करीना कपूर आई हुई है, मैं कैसे यकीन कर लूँ करीना कपूर आई हुई है? मुझे वो कुछ थोड़ा सा बोलकर बताएं कि वो करीना कपूर है, मुझे हाय हेलो करें। हेलो कर दीजिए प्लीज थोड़ा।
हाय। नहीं ऐसे नहीं, मेरा नाम लो बब्बू। ये कैसा नाम है? नहीं आप बोलिए ना बब्बू जी। हाय बब्बू। देखो वैसे मेरा नाम इतना प्यारा है नहीं जितना आपने कर दिया है। आपको पता है बब्बू, ये शर्मा जी बोलते ना बब्बू तो कितना हार्ड सा लगता है, आप बोलते ना बब्बू फिसल के बाहर आता है ऐसे। आपको पता है आप मेरा दिल क्या कर रहा है? मेरा दिल करता है कि आप कहें बब्बू, मैं आपको 10 बार कहूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बब्बू बब्बू बब्बू। मत कहो ऐसे बब्बू बब्बू। खैर अपना करीना जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कोई आम बंदा नहीं हूं, मैं फिल्म इंडस्ट्री का पूरा वाकिफ हूं। मतलब आपकी पूरी फैमिली के बारे में जानता हूं, जैसे आपके मामा शक्ति कपूर को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। अबे बेवकूफ आदमी, वो इनके मामा नहीं है। वो मामा नहीं, वो तो हर जगह मामा बने फिरते हैं, यहाँ नहीं है। करीना जी आपके साथ सैफ अली खान साहब भी आए? नहीं नहीं वो नहीं आए, इमरान खान आए। कौन आए? इमरान खान आए हैं। यार आजकल वैसे शोएब अख्तर ज्यादा नहीं चल रहा? अबे बेवकूफ आदमी, ये एक्टर इमरान खान आए हैं। ओह एक्टर इमरान खान, मतलब डेली बेली वाले इमरान खान साहब आए हैं वो। यार मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इमरान खान साहब अपना, आपको पता है जब मैंने आपका गाना सुना ना डेली बेली वाला, मुझे ऐसे लग रहा मुझे कोई गालियां निकाल रहा है। इमरान खान साहब यही हूँ। अच्छा आप यही है? ये भी करीना कपूर ही लग रहे थोड़े थोड़े। आइए 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 बैठ जाइए बैठिए बैठिए जी। हाँ भाई यही है बैठ जाइए, यही है बैठिए। गिरा देखो, मैं अंधा हूँ गधा नहीं हूँ। खैर मैं बता रहा था, हमारे बीच क्यों नहीं बैठ जाते? ये जो गद्दी को आपने हाथ लगाया ना, मेरा दिल करता गद्दी को छोड़ना नहीं मैंने अब। मैं गद गद हो रहा हूँ। ये वाकई अंधा है, ये इनको दिखाई नहीं देता है, ये सब्जी बेचते हैं बाहर। देखो दिखाई नहीं देता, महसूस सारा कुछ होता है मुझे। अच्छा मैं क्या कह रहा था, इमरान जी आपकी फिल्म जो आ रही है ना अपना, उसमें आपको फैमिली में पता नहीं आपके पापा जी कह रहे थे ना ट्रेलर में, मैंने सुना था कि आप कौन सा दब्बा है? गाला दब्बा। हाँ कोई बात नहीं, मुझे भी कहते थे, आज मेरा अपना ठेला है। आप भी बड़ी तरक्की करोगे मुझे पता है। क्या और क्या तरक्की करेंगे, काफी तरक्की कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या तरक्की की है? इडियट में उनके मामा जी के साथ जो हिरन आई थी करीना कपूर, आज वो उनके साथ आ रही है, तो और क्या तरक्की करें वो। करीना जी बापू। क्या हुआ क्या? मुझे लगता है मुझे आंखों से पहले दिल का इलाज करना पड़ेगा। जिस बंदे ने सारा दिन गाजर मूली के साथ मत्था मारा हो, सीधी करीना कपूर मिल जाए उसको तो हार्ट अटैक आ गया। जाइए भाई साहब अपनी रेडी लीजिए, निकलिए यहाँ से। एक मिनट शर्मा जी, अपना करीना जी बोले बोले आप मुझे अपने जाना पड़ेगा, पता है चक्कर क्या है कि कुत्ते को घी हजम नहीं ना होता कभी कभी। तुमने नहीं, अच्छा आप ना हल्का सा अपने मुंह से ना बाय बोल दीजिए, फिर मैं चला जाता हूँ। ऐसे नहीं जाना, मैंने जिस तरह से बाय बोल रही है। थोड़ा सा आप ना थोड़ा सा हार्ड कीजिए बाय को। मेरे ना गूगल जो है ना वो बंप हो रहे हैं। अच्छा चलिए बाय। मैं मर गया। गूगल बंप हो गए। इनको धक्के देने पड़ते हैं, ये ऐसे बाय बाय चल जाके अपनी सब्जियां बेच। चल कोई दोबारा से इधर घुसना नहीं तूने, समझ में आया? खुद इतना लंबा कुर्ता पहना, भिंडी तेरी नंगी घूम रही, चल भाग जा। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। बड़े बड़े लोग आए, घुस गए आगे अंदर बैठ गए। और बदतमीज लोग। हाँ। पहले तो हमारे घर पे मोहल्ला ही एक तो ऐसा, कोई भी अंदर घुसाता है, अब तो सड़क भी आ गई है तो कोई भी घुस जाता है। हाँ। बाहर निकालो उनको। इतना स्वीट था। हाँ। करीना कपूर ने हाथ लगाया, सारी उम्र नहाना नहीं तूने। पर मैंने भी हाथ लगाया, मुझे तो नहाना पड़ेगा।
करीना इमरान, आपके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, तो आप जल्दी जल्दी करीना और इमरान से अपने मन की बात कर सकते हैं एक एक करके, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्रॉमिस। ये हो सकता है? मेन मुद्दा तो वही है, हमने बहाने से खड़े करने होते हैं। जी तो करीना और इमरान के फैंस जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप एक एक करके उनसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन? सो ओपन इनविटेशन। जी मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज रितिका, आई एम फ्रॉम मुंबई, एंड माय क्वेश्चन इज फॉर इमरान। जी, मैंने पढ़ा है कि आप न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में गए थे और आपने बहुत पढ़ाई की है, और फिर आप फाइनली अभी एक्टिंग में ही आ गए हैं, तो इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा हुआ? यानी एक्टर लोग पढ़ाई नहीं करे, सिर्फ डफर है, सारे एक्टर्स डफर्स हैं। नहीं, आप यहाँ पढ़ाई की जरूरत है ही नहीं। दूसरे अकेडमी में मैंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की, पर आपने मार्केट रिसर्च भी पढ़ा है ऐसे मैंने सुना है, मीन आई हैव रेड ऑनलाइन। आपने बाकी बहुत सारा रिसर्च किया है। होते हैं कई हाथ धो के पीछे पड़ने वाले होते हैं। Just one small request, Karina. I'm the biggest fan. Can I come and hug you? Yeah, of course. Wow. Thank you. काश मेरा नाम रितिका होता। चलिए मैं आपको भी हग कर लेती हूँ। चलिए